क्वेश्चन नंबर वन. इन द सर्किट शोन ऑल एलिमेंट्स आर आइडियल एंड द स्विच एस इज ऑपरेटेड एट 10 किलोहर्ट्ज एंड 60% ड्यूटी रेशियो. द कैपेसिटर इज लार्ज इनफ सो दैट द रिपल अक्रॉस इट इज नेग्लिजिबल एंड एट ए स्टेडी स्टेट एक्वायर्स वोल्टेज एज शोन. द पीक करंट इन एम्पियर्स ड्रॉन फ्रॉम द 50 वोल्ट डीसी सोर्स इज. गिव द आंसर अप टू 1 डेसिमल प्लेस. Hello everyone, welcome to Gate Academy. In the previous lectures we have discussed about buck converter, we have discussed about boost converter with some good questions of the gate previous year. Okay, aur wahan pe hum logon ne dekha ki buck converter mein kaise aap performance aap karne wale ho, kaise aap output voltage calculate karoge, kaise aap output current nikaloge, कैसे आप इंडक्टर करंट आप कैलकुलेट करने वाले हो, उसकी एवरेज वैल्यू कैसे निकलेगी, फिर स्विच की करंट कैसे निकलेगी, फिर ड्यूटी रेशियो कैसे कैसे हुआ था आपका. तो एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड हाउ टू डेवलप द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इफ द क्वेश्चंस आर फ्रॉम बक कन्वर्टर एंड बूस्ट कन्वर्टर. ओके, तो बेसिक आइडिया जो है, चाहे बक हो चाहे बूस्ट हो, या जो हम डिस्कस करने वाले हैं बक बूस्ट कन्वर्टर, जो बेसिक आइडिया है, बेसिक आइडिया आपके पास क्या हमेशा है कि आपको जो भी बातें करनी है हमेशा दो चीजों की बातें करनी है, या तो मैं आईएल करंट की बात करूंगा या तो मैं कैपेसिटर करंट आईसी की बात कर रहा हूं. ठीक है, फिर उन्हीं में क्या कर रहा था, वोल्टेज सेकंड बैलेंस लगाता था और करंट सेकंड बैलेंस आप यूज करते थे, उसके थ्रू ही आप सारी चीजों क्या करते थे, आप डिजाइन करते थे डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन की आईएल एवरेज आउटपुट करंट की एवरेज वैल्यू की इक्वल होता है कि नहीं होता, ये भी हम लोगों ने देखा था. और पावर हमेशा क्या होता है, इनपुट पावर इज ऑलवेज इक्वल टू आउटपुट पावर, बिकॉज ऑल स्विचेस दैट हैज बीन यूज्ड इन सच टाइप ऑफ कन्वर्टर्स, वेदर इट इज बक कन्वर्टर, बूस्ट कन्वर्टर और बक बूस्ट कन्वर्टर, ऑल स्विचेस आर लॉसलेस. और मैंने बताया था उस स्विच लॉसलेस होने का क्या मतलब है, वोल्टेज ड्रॉप वो क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है, कब होगा उनके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप, उनके क्रॉस वोल्टेज कब, आपका ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी कब डेवलप होती, जब वो ऑफ कंडीशन होते हैं तब करंट जीरो हो जाती है तो पावर जीरो हो जाता था, जब वो ऑन करते हैं तो करंट आपकी फ्लो करती, बट उसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या मानते हैं हम, जीरो वोल्ट. इज इट ओके? तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं बक बूस्ट कन्वर्टर. द बेसिक सर्किट फॉर द बक बूस्ट कन्वर्टर हैज बीन शोन टू यू. ठीक है, अब हम देखते हैं मेरे पास क्या होने वाला, बक बूस्ट कन्वर्टर को हम कैसे ऑपरेट कर सकते हैं इन द सेम फैशन व्हाट वी हैव डन इन केस ऑफ व्हाट बक कन्वर्टर, इन केस ऑफ व्हाट बूस्ट कन्वर्टर. वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट बक बूस्ट कन्वर्टर. ठीक है, तो मेरे पास क्या है, क्वेश्चंस तो हम बाद में देखेंगे कम से क्या पूछा गया, बट बेसिक आइडिया आपको क्या मिल सकता है. मैंने हमेशा कहा फर्स्ट स्टेप इज व्हाट, व्हेन स्विच इज ऑन, कब स्विच ऑन होता है, ड्यूरिंग टी ऑन पीरियड. ठीक है, ड्यूरिंग टी ऑन पीरियड में आपका क्या है, स्विच ऑन है और टी ऑन इज ऑलवेज इक्वल टू कितने को होता है, दैट इज इक्वल टू डी टी. ठीक है, तो मेरे पास क्या होने वाला, जरा देखते हैं सर्किट क्या बनेगा. अगर स्विच ऑन होगा तो दिस विल बी प्लस माइनस वी एस, स्विच मेरा ऑन हो गया. ठीक है, नेक्स्ट बताओ इंडक्टर, नेक्स्ट बताओ मुझको क्या होने वाला, डायोड क्या होगा आपका, ऑफ कंडीशन में डायोड इज ऑफ. ठीक है, नेक्स्ट क्या मेरे पास, कैपेसिटर. नेक्स्ट मेरे पास क्या है, दिस इज लोड, दिस इज लोड, दिस इज प्लस माइनस वी नॉट, दिस इज व्हाट, आई नॉट, दिस करंट इज व्हाट, दिस करंट इज व्हाट, आई सी, दिस इज प्लस माइनस व्हाट, वी सी. आई हैव रिप्रेजेंटेड लाइक दिस वन. ओके, अब मेरे पास क्या, दिस इज प्लस माइनस व्हाट, वी एल, व्हाट, ऑन कंडीशन, दिस इज वी एस. अब बताओ मुझको, अगर मेरा स्विच क्या है, ऑन है, तो डेफिनेटली आपके पास क्या मिलने वाला, सबसे पहला पॉइंट हमेशा क्या होता है, वी एल ऑन इज इक्वल टू कितना मिल रहा मुझको, वी आर अप्लाइंग केबल हियर, व्हाट वी विल गेट, दैट इज इक्वल टू वी एस. दैट मीन्स इट इज अ कॉन्स्टेंट डीसी सप्लाई, वी एस की इक्वल है और ये पॉजिटिव है. दैट मीन्स व्हाट इज हैपनिंग, डी आई बाई डी टी जो मिलेगा आपको, दैट इज इक्वल टू वी एल ऑन डिवाइड बाई एल, या मैं कह सकता हूँ वी एस डिवाइड बाई एल, दैट विल बी हाउ मच, पॉजिटिव. तो मेरा क्या करेगा, लीनियरली करेंट विल इनक्रीज. इज इट ओके? ठीक है, अब बताओ मुझको सेकेंड क्या चीज आपके पास, आईसी की बात करते हैं, आईसी ऑन की वैल्यू कितनी है, दैट इज इक्वल टू आई नॉट. इज इट ओके? ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट थिंग कि ये प्लस माइनस मैंने अभी उल्टा क्यों कर दिया. आप इसको कैसे कर सकते हो, यू कैन टेक लाइक दिस वन ऑल्सो, डजंट मैटर. ठीक है, व्हाई आई हैव रिप्रेजेंटेड दैट प्लस माइनस, बिकॉज व्हेन स्विच इज ऑन दिस लोड इज गेटिंग द करंट फ्रॉम दिस कैपेसिटर, दैट्स व्हाई आई एम रिप्रेजेंटिंग लाइक प्लस एंड माइनस, दैट्स व्हाई ओनली. ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट थिंग. ठीक है,
मतलब ये क्या कर रहा है, कैपेसिटर डिस्चार्ज कर रहा है थ्रू द लोड एंड प्रोवाइडिंग दैट अमाउंट ऑफ करंट दैट इज इक्वल टू आई नॉट, इज इट ओके। अब मेरे पास क्या है, आईसी ऑन की वैल्यू इतनी है, ठीक है। अब हम चेक करते हैं नेक्स्ट केस पे, हम चलते हैं, मेरे पास नेक्स्ट क्या मिलने वाला है, दैट इज सेकंड केस मेरे पास क्या होने वाला है, दैट इज एस डब्ल्यू इज ऑफ। अगर एस डब्ल्यू मतलब स्विच इज ऑफ, ये कब ऑफ होगा, टी ऑफ पीरियड में। टी ऑफ का मतलब क्या होता है हमेशा, वन माइनस टी इंटू वॉट टी, इज इट ओके, ठीक है। अब बताओ मुझको मेरे पास क्या आने वाला है, जरा देखते हैं। जरा स्विच ऑफ है तो स्विच को ऑफ कर दिया, कौन ऑन करेगा आपका, कौन ऑन करने वाला आपका, दैट इज डायोड। तो मैं क्या कहूंगा, दिस विल लुक लाइक दिस वन, दिस इज व्हाट वीएस, डायोड मेरा ऑन कर गया, डायोड ऑन हो गया। नेक्स्ट बताओ मुझको, दिस इज कैपेसिटर, इज इट ओके, दिस इज व्हाट माइनस प्लस वीसी। नेक्स्ट क्या मेरे पास, लोड, दिस इज लोड एंड दिस वन इज प्लस माइनस व्हाट वी नॉट एंड दिस वन इज व्हाट आई नॉट, दिस वन इज व्हाट आईसी, इज इट ओके, ठीक है। ये करंट क्या है पास अवेलेबल है, कहां मेरे पास है, दिस करंट इज व्हाट, दिस इज व्हाट आईएल प्लस माइनस व्हाट वीएल। अब बताओ मुझको जरा क्या होने वाला है, लगाओ जरा इसमें केवीएल, व्हाट आई विल गेट, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट मेरे क्या मिलेगा, वीएल ऑफ, वीएल ऑफ इज इक्वल टू कितना मिलेगा, ध्यान से देखो, प्लस माइनस एंड प्लस माइनस, दैट व्हाट विल हैपन, वीएल ऑफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ व्हाट वी नॉट, इज इट ओके और नॉट, ठीक है। नेक्स्ट बताओ मुझको, VC and V not is same, that's why it is what minus V not, या मैं कह सकता हूँ it is minus of VC। Next point क्या इसमें आता था, IC off की value कितनी आएगी, जरा बताओ मुझको कितनी आने वाली है, IC off की value जो निकल के आएगी, तो IC off अगर calculate करना है, what amount we will get, that is IL, this current is zero, okay, this will also be IL, is it okay? Next बताओ मुझको, इस point पे जरा हम क्या लगाते हैं, KCL लगाते हैं, this is outgoing current, this is incoming, this is outgoing current, तो मैं लिख सकता हूँ IC of plus IL is equal to how much, I not, तो मेरे पास IC of is equal to आ जाएगा, how much I will get, that is equal to I not minus what IL, is it okay? अब चलो use करते हैं, next step क्या होता था, bold second balance, क्या मिलने वाला bold second balance में, VL on into T on plus VL off into what T off is equal to how much zero, तो आप बताओ मुझको क्या होने वाला, VL on की value कितनी मेरे पास, VS into DT plus VL off की value मेरे पास है minus of VS, is it okay, sorry minus of V not into 1 minus T into what T is equal to zero, T cancel out हो गए, क्या बचा मेरे पास, VS minus V not कितना 1 minus D is equal to 0, तो मेरे पास कितना आने वाला है, sorry it's D, okay, तो मेरे पास V not is equal to आ जाएगा VS into D divided by how much 1 minus D, तो this is the output voltage, average output voltage across the load if you are using a buck boost converter, is it okay or not, ठीक है। अब बताओ मुझको ये तो हो गया आउटपुट वोल्टेज, तो मेरे पास बक में क्या था डी इंटू वी एस, बूस्ट में क्या था वी एस डिवाइड बाई वन माइनस डी, बट बक बूस्ट अगर आप यूज करते हो व्हाट यू आर गेटिंग वी एस इंटू डी डिवाइड बाई वन माइनस डी। अब बताओ मुझको, अब मैं यूज करता हूं जरा यहीं पे, नेक्स्ट मेरे पास क्या है बोल्ट सेकंड वी हैव यूज्ड, व्हाट वी हैव टू यूज, दैट इज इक्वल टू करंट सेकंड बैलेंस अगर मैं यूज करता हूं, व्हाट आई विल गेट, करंट सेकंड बैलेंस यूज करूं, आई सी ऑन into what T on plus IC off into what T off is equal to zero, IC on की value मेरे पास कितनी है, that is equal to I not, ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, that is equal to I not into DT plus IC off की value मेरे पास कितनी है, I not minus IL, तो मैं क्या लिखूंगा, I not minus IL into 1 minus D into what T is equal to zero, T cancel out हो गया, क्या बचा, I not into D plus I नॉट, देखते जरा जाओ क्या मिलने वाला आपको, I नॉट नेक्स्ट क्या माइनस I नॉट इंटू डी, नेक्स्ट आई एल मल्टीप्लाई करो माइनस आई एल प्लस आई एल इंटू वॉट डी इज इक्वल टू जीरो, देखो जरा कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, ठीक है, आपके पास आई नॉट डी कैंसिल आउट हो गए, क्या बचा मेरे पास, आई एल इज इक्वल टू सॉरी आई नॉट इज इक्वल टू आई एल माइनस आई एल इंटू डी, ऐसा कुछ मिला कि नहीं मिला, ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया, आई एल इज इक्वल टू आई नॉट डिवाइड बाई हाउ मच 1 माइनस डी,
So this is the inductor average current and output average current के बीच में relation कितना आया, IL is equal to I naught 1 minus D. Is it okay or not? ठीक है, तो these are the two expressions that you have to every time use whenever we are dealing with the what? Buck boost converter. Okay? Next अगर हम बढ़ते हैं, next point की हम बात करते हैं, क्या करते थे हम लोग बात करते थे चेंज इन रिपल करंट की बात करते थे. चलो बताओ मुझको क्या करते थे हम लोग हमेशा, VL on is equal to कितना है on condition VL की value, that is equal to how much, that is equal to VS. तो मेरे पास VS है तो इसको मैंने क्या लिख दिया, this is VS, VL on लिख सकते हैं, DL DI by DT is equal to कितना VS. अब बताओ L कितना मिलता था, टी ऑन पीरियड में कितना होगा, करंट राइज करेगी मिनिमम से मैक्सिमम जाएगी तो कितना मिलेगा, डेल्टा IL चेंज इन रिपल, that is delta IL divided by T on is equal to VS. तो बताओ मुझको delta IL is equal to आ जाएगा VS into T on. T on की वैल्यू होती D into T divided by कितना मेरे पास है, that is equal to L. समझ में इतनी बात, तो मेरे पास फाइनली और क्या लिख सकता हूं मैं, VS into D divided by how much, L into what, 1 by F in terms of frequency also. तो मेरे पास change in ripple ये मिल गया, मेरे पास IL एवरेज और I नॉट में रिलेशन मिल गया, मेरे पास वोल्टेज आउटपुट और इनपुट वोल्टेज में एक रिलेशन मिला. इफ वी आर यूजिंग व्हाट, इफ वी आर यूजिंग अ बक बूस्ट कन्वर्टर, इज इट ओके. तो क्वेश्चन अब एग्जैक्टली क्या पूछा आपसे, अब चलते हैं जरा क्वेश्चंस की बात करते हैं. ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, सप्लाई वोल्टेज गिवन है, ड्यूटी रेशियो गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, आउटपुट वोल्टेज गिवन है, आईएस पीक की बात किया है. ठीक है, तो जरा करंट की वेवफॉर्म हम ड्रॉ करते हैं, मेरे को करंट की वेवफॉर्म क्या मिलने वाली है. करंट की वेवफॉर्म जो मिलती है, दैट इज ड्यूरिंग टी ऑन, दिस इज डी टी, दिस वन इज व्हाट, टी. ओके, ड्यूरिंग टी ऑन क्या करेगा, करंट राइज करती है मैक्सिमम तक जाएगी, नेक्स्ट क्या करेगी, फिर फॉल करेगी मिनिमम तक आएगी, फिर क्या करेगी, राइज करेगी. तो ये टाइम क्या हुआ आपके पास, दिस इज व्हाट इज दिस वन, आई मैक्स, ये क्या है आपके पास, आई मिन, ये क्या आपके पास है, IL एवरेज. तो मैं क्या लिखूंगा, IL एवरेज. तो ये क्या हुई, इंडक्टर करंट की वेवफॉर्म हुई. अब बताओ ये चीज क्या है आपके पास, व्हाट इज दिस वन, डेल्टा IL, इज इट ओके. ठीक है, तो आप बताओ मुझको, अब मैं अगर यहीं पे कहता कि IL मैक्स की वैल्यू कितनी होगी, कितनी होगी, IL एवरेज. सेम वे जैसे आपने बक बूस्ट बक में किया, बूस्ट में किया, बक बूस्ट में सेम थिंग आपको मिलने वाली, IL एवरेज प्लस डेल्टा IL डिवाइड बाई टू. सिमिलरली आई एल मिन की अगर मैं बात करूंगा तो कितना मिलने वाला, आई एल एवरेज, नेक्स्ट क्या, माइनस डेल्टा आई एल बाई वॉट टू. इज इट ओके नॉट. तो ऑल रिलेशन वॉट वी हैव डिस्कस्ड इन केस ऑफ बक कन्वर्टर, इन केस ऑफ बूस्ट कन्वर्टर, इन द सिमिलर फैशन वी हैव डिस्कस्ड वॉट इन केस ऑफ वॉट, बक बूस्ट कन्वर्टर, इज इट ओके. अब बताओ मुझको, चलो करते हैं जरा, देखते हैं जरा, जो भी बात करनी मुझको, किसकी बात करनी है, मुझको बात करनी है किसकी, दैट इज इक्वल टू स्विच करंट की बात करनी, या सॉरी इट्स नॉट स्विच, इट्स अ स्विच करंट और सोर्स करंट, इट्स अ सोर्स करंट आई गेस इन द क्वेश्चन, इट्स अ सोर्स करंट. ओके, 50 वोल्ट सोर्स से कितना आपके पास करंट, आपकी जो भी एक्सट्रैक्ट की जा रही है उसके एवरेज वैल्यू आपको निकालनी है. तो आप ही बताओ सोर्स से कनेक्टेड कौन है आपका, स्विच है कि नहीं कनेक्टेड. तो मैं चाहे कहूं सोर्स करंट या मैं क्या कहूं स्विच करंट, दोनों को मतलब एक ही चीज है. आपसे पूछा है वो जो सोर्स या स्विच करंट है उसकी पीक वैल्यू कितनी होगी, दैट इज द क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड. आप बताओ मुझको सोर्स में या स्विच में करंट कब फ्लो करने वाली है, जब स्विच मेरा ऑन होगा. अगर स्विच मेरा ऑफ है तो सोर्स या स्विच के अंदर कोई करंट नहीं, तो डेफिनेटली सोर्स भी क्या हो जाएगा, कट आउट हो जाएगा फ्रॉम द सर्किट. तो आप बताओ जब मेरा एस ऑन होगा तभी आपकी करंट फ्लो करेगी सोर्स से, और वही करंट कौन सी करंट है आपका, याद करो ना, देखो जरा, व्हेन स्विच इज ऑन तभी इसके अंदर करंट एग्जिस्ट करेगी, और वो कौन सी करंट होगी, जो करंट आपकी फ्लो कर रही होगी किसमें, इंडक्टर में. समझ में आई इतनी बात. तो मैं कह सकता हूं ना अगर मुझ मैं कहना चाह रहा हूं जीरो से लेके डीटी के बीच में जब स्विच ऑन है जो भी करंट स्विच में फ्लो करेगी दिस इज दिस अमाउंट ऑफ करंट, इज इट ओके और नॉट. ठीक है, तो यही स्विच करंट होगी, यही क्या होगी आपकी सोर्स करंट होगी. तो आप बताओ मुझको इस करंट की पीक वैल्यू जो होगी वो IL मैक्स ही होगी. कौन सी वैल्यू होगी आपकी, IL मैक्स ही तो उसकी वैल्यू होगी ना. तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, फाइनली जो मेरे को निकालना है, मेरे को क्या निकालना, IS पीक चाहे कहूं चाहे मैं क्या कहूं IL मैक्स कहूं, दोनों का मतलब एक ही चीज है. इसका मतलब मुझको फाइनली IL मैक्स वैल्यू निकालनी है, दैट्स ऑल, इज इट ओके. ठीक है,
अब बताओ मुझको, अब मेरे पास जो गिवन क्वांटिटीज है, आप ध्यान से देखो, आईएल मैक्स अगर आपको जानना होता है तो आईएल मैक्स के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है बताओ मुझको। दैट इज इक्वल टू आई एल एवरेज, नेक्स्ट क्या, प्लस डेल्टा आई एल बाई टू। मुझको ये दो चीजें चाहिए अगर मुझको क्या निकालना, आई एल मैक्स की वैल्यू निकालनी है। तो आप बताओ आई एल एवरेज अगर मुझे निकालना है तो आई एल एवरेज में कैसे निकाल सकता हूं? क्या मेरे पास डी पता है? बिल्कुल पता है डी की वैल्यू, ये पता है ना 0.6, डी की वैल्यू मुझको पता है 0.6। क्या मुझे आई नॉट की वैल्यू पता है? अगर आई नॉट में जानना चाहता हूं तो आई नॉट इज इक्वल होगा वी नॉट डिवाइड बाई आर। क्या मुझे आर की वैल्यू पता है? बिल्कुल पता है, क्वेश्चन में आर की वैल्यू जो दे रखी यहां पे, दैट इज इक्वल टू 5 ओम। तो आप बताओ मुझको, मैं लिख सकता हूं इसको आई एल एवरेज को, मैं लिख सकता हूं आई नॉट बाई 1 माइनस टी प्लस डेल्टा आई एल डिवाइड बाई 2। और क्या लिख सकता हूं, आई नॉट 1 माइनस टी प्लस डेल्टा आई एल इज इक्वल टू, अभी कैलकुलेट किया था हम लोगों ने, कितना आया था पास बोलो ना, वी एस इंटू डी डिवाइड बाई कितना, एल इंटू क्या, 1 बाई एफ। यही तो है आपके पास, और क्या डिवाइड बाई 2 करना है तो यहां क्या हो जाएगा, 2 से और मल्टीप्लाई आप कर दो। तो बोलो जरा आई एल मैक्स किया, स्विच करंट पीक वैल्यू कितनी है, आई नॉट की वैल्यू हो जाएगी वी नॉट डिवाइड बाई आर, आर 1 माइनस डी प्लस वी एस इंटू डी डिवाइड बाई 2 एफ एल। आएगा कि नहीं आएगा, जरा वैल्यूज को पुट कर देते हैं। अगर मैं वैल्यूज को पुट करूंगा तो वी नॉट की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी मेंशनड है, गिवन है, दैट इज इक्वल टू 75 वोल्ट। तो मेरे पास कितना है, 75 वोल्ट डिवाइड बाय आर की वैल्यू है 5, 1 माइनस डी की वैल्यू है 0.6। इज इट ओके ऑर नॉट? ठीक है, डी की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.6। अब बताओ नेक्स्ट क्या मेरे पास, प्लस वीएस की वैल्यू मेरे पास जो गिवन है, वीएस इज इक्वल टू यू हैव बीन गिवन, दैट इज इक्वल टू 50 वोल्ट। तो मेरे पास कितना है आपके पास, 50 वोल्ट इंटू डी 0.6 डिवाइड बाई 2 इंटू एफ की वैल्यू जो आपको गिवन है, दैट इज इक्वल टू 10 किलोहर्ट्स। तो 10 किलोहर्ट्स है तो 10 × 10^3 इंटू एल, एल की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, जरा देखो कितनी गिवन है एल की वैल्यू, आई थिंक एल की वैल्यू जो आपको क्वेश्चन में दे रखी है, दैट इज इक्वल टू 0.6 मिली हेनरी। कितनी दी हुई है, 0.6 मिली हेनरी। इज इट ओके, 0.6 मिली हेनरी। तो मेरे पास 0.6 मिली हेनरी है, तो L की वैल्यू जरा पुट कर दो 0.6 मिली हेनरी, व्हाट यू विल गेट, 0.6 × 10^-3। आप क्या कर सकते हो इस पूरे एक्सप्रेशन का, अगर आप सॉल्व करोगे तो IL मैक्स या ISP की जो वैल्यू निकल के आने वाली है वो वैल्यू कितनी आने वाली है, दैट इज इक्वल टू 40 एम्पीयर। कितनी आएगी आपके पास, दैट इज इक्वल टू 40 एम्पीयर। तो मेरे पास इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू 40 एम्पीयर। यू कैन सॉल्व दैट थिंग, व्हाट एक्सप्रेशन दैट हैज बीन मेंशन्ड देयर, यू कैन सॉल्व दैट थिंग। सारी वैल्यूज आपको लिख दिया गया वहां पे, आप उसको जस्ट सॉल्व कर लो, व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट अ 40 एम्पीयर ISP की वैल्यू। इज इट ओके और नॉट? ठीक है, तो ये क्या हुआ, सोर्स की क्या हुई आपकी, कौन सी वैल्यू हुई आपकी, पीक वैल्यू। अब बताओ मुझको, तो इतना सारा कुछ क्यों किया गया है यहाँ पे? जब भी बग बूस्ट के बारे में पूछा जाएगा आपसे, आपको हमेशा पता होना चाहिए व्हाट स्ट्रेटजी यू हैव टू फॉलो इफ यू आर गोइंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द बग बूस्ट कन्वर्टर। दीज आर द स्टेप्स यू हैव टू फॉलो इफ यू आर कंसिडरिंग अ बग बूस्ट कन्वर्टर फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम, और यू हैव टू डेवलप अ गुड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बाय यूजिंग सच टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट्स इन बग बूस्ट कन्वर्टर। इज इट ओके? अब बताओ अगर इसी क्वेश्चन में ऐसा कुछ पूछ लिया गया होता कि सोर्स करंट की एवरेज वैल्यू कितनी आएगी, सोर्स करंट की एवरेज वैल्यू कितनी आएगी, दिस इज द पीक वैल्यू। ठीक है, एवरेज वैल्यू आप ही बताओ ना, इन केस ऑफ एनी कन्वर्टर वेदर इट इज बक बूस्ट और बक बूस्ट, हमेशा क्या होता है, इनपुट पावर एवरेज पावर ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू एवरेज पावर ऑफ व्हाट, लोड। होता है कि नहीं होता? तो आप बताओ मुझको वीएस की वैल्यू कितनी मेरे पास है, वीएस की वैल्यू मेरे पास 50 इंटू आई एस इंटू इज इक्वल टू वी नॉट, वी नॉट इज 75 इंटू आई नॉट की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, बोलो ना, वी नॉट डिवाइड बाई आर, और वी नॉट की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, दैट इज इक्वल टू 75, तो 75 डिवाइड बाई आर, आर की वैल्यू कितनी है 5। तो आई एस यहां से निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो? ठीक है, तो आपके पास क्या मिल जाएगा, आई एस एवरेज आप यहां से कैलकुलेट कर लोगे, तो आई एस एवरेज की भी वैल्यू निकल जाएगी इफ यू वॉन्ट टू डू कैलकुलेट फॉर द एवरेज वैल्यू ऑफ द सोर्स करंट। समझ में आए इतनी बात? तो चेंज इन रिपल आपने कैलकुलेट किया, अगर पूछा गया होता चेंज इन रिपल बताओ, तो डेल्टा आई एल अभी अभी आपने कैलकुलेट किया। ठीक है, आप आई एल एवरेज निकाल सकते हो, आप आई नॉट निकाल सकते हो, तो एवरीथिंग यू कैन कैलकुलेट इफ यू आर फॉलोइंग सच काइंड ऑफ एनालिसिस इन केस ऑफ व्हाट,
bug boost converter. It's a 2017 problem. Hence, the answer for this question is how much? That is equal to 40 ampere. Okay. So we will proceed for the next question. Question number two. The input voltage VDC of the buck boost converter shown below varies from 32 volt to 72 volt. Assume that all components are ideal, inductor current is continuous, and output voltage is ripple free. The range of duty ratio D of the converter for which the magnitude of the steady state output voltage remains constant at 48 volt is. Options are, the option A is 2 by 5. D ke jo range hai, that is for option A is 2 by 5 to 3 by 5. Option B, 2 by 3 to 3 by 4. Option C, 0 to 1. Option D, 1 by 3 to 2 by 3. So in the next question, what is given to you? We have given a range of the VS. ठीक है? Supply voltage के आपको एक range दे रखी है, जो vary कितने से कितने कर रही है आपकी, 32 volt से लेके कहाँ तक? 72 volt तक. ठीक है? और आपके पास but output voltage जो आपका constant है, that is always equal to 48 volt. Supply voltage का जो variation हो रहा है, कितने से कितने हो रहा? 32 से लेके 72 volt के बीच में हो रहा, 32 to 72 volt. But output का जो average voltage है, that is always constant, that is how much it has been given, 48 volt. If such kind of thing is there, then it is asking about the range of D. Matlab duty cycle ki kya kya range hogi. Jab aapka VS 32 hoga, tab duty cycle kitni hogi. Jab aapke paas VS kitna hoga, 72 hoga, tab aapke paas D kitna hoga. Unhi ke beech ki range puch raha hai, kahan se kahan tak D vary karega agar supply voltage itna vary karega. Theek hai? What is this circuit? It is a buck boost converter na? It's a buck boost converter. You tell me, what is the relation between output and input? That is Vs divided by 1 minus D. V out jo hota hai, wo hamesha kya hota hai? Vs into D divided by how much? 1 minus D. Tab batao mujhko, mere paas do cases hai. Pehla case hai, case first. Theek hai? Case first mein kya keh raha hai? If Vs is equal to 32 volt. Matlab, main iski low limit le raha hu. Jab Vs ki value kitni? 32 volt hai. तब भी आपके पास क्या है, V नॉट की वैल्यू हमेशा कितनी है, 48 वोल्ट. तो आप बताओ मुझको, जरा यूज करो इक्वेशन, आपको क्या मिलने वाला, V नॉट इज इक्वल टू Vs, V नॉट Vs1 इनटू D, मान लिया D1, नेक्स्ट क्या, 1 माइनस D1. जरा वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं, 48 इज इक्वल टू Vs1 की वैल्यू है 32 इनटू व्हाट, D1 डिवाइड बाय कितना, 1 माइनस D1. मैं क्या लिख सकता हूं इसी चीज को, मैं इसको लिख सकता हूं 48 माइनस 48 D1 इज इक्वल टू हाउ मच, 32 D1. इज इट ओके और नॉट? ठीक है, कुछ ऐसा आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, अब बताओ मुझको, और मैं क्या लिख सकता हूं, D को एक साथ कर लेते हैं, 48 प्लस 32 D1 इज इक्वल टू हाउ मच, 48. इज इट ओके? तो बताओ मुझको, D1 is equal to कितना आ गया, D1 is equal to आ जाएगा 48 divided by कितना, 48, this will be 0, this will be 80. Is it okay? तो मेरे पास कितना आ गया, 48 divided by 80. तो मेरे पास इसको मैं कितना लिख सकता हूँ, how much it will be how much, that is equal to 2 by 5, I guess it will be 2 by 5. So D1 is equal to 48 by 80, it is approximately equal to 2 by 5. It is approximately equal to 3 by 5. Okay? It is approximately equal to 3 by 5. Next, batao mujhko. Ab main baat karta hu, agar case 2 ki baat karta hu, what I will get, if Vs is equal to, you can calculate, please make this calculation. Okay? Ab aapke paas kya hai, case 2 aapke paas, if Vs is equal to 72 volt, what I will get, V naught is equal to, ab bhi kitna hai aapke paas, 48 volt. To aap batao mujhko, V naught is equal to Vsd divided by 1 minus D. Is it okay? ठीक है, अब मैं क्या कह दिया, इसको D2 कह दिया, इसको D2 कह दिया, इसको Vs2 कह दिया. तो आप बताओ, V naught की वैल्यू 48, Vs2 की वैल्यू 72 into D2 divided by 1 minus क्या, D2. आप बताओ कितना आ जाएगा, 48 divided by 72 is equal to D2 divided by 1 minus D2. Is it okay? आप क्या कर सकते हो, you have a single relation, what you will get, 48 minus 48 D2 is equal to 72 what? D2. ऐसा कुछ आएगा कि नहीं आएगा? Is it okay? आप बताओ जरा, D2 के एक साथ कर लो, D2 कितना आ जाएगा? 72 plus what? 48 is equal to how much? 48.
सही है कि नहीं सही है? आप बताओ मुझको मेरे पास कितना आने वाला है। डी टू इज इक्वल टू 48 डिवाइड बाई 72 प्लस 48, इसको सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 2/5 आप पाओगे। कितना मिलेगा आपको? दैट इज इक्वल टू 2/5। तो आपके पास रेंज कितनी मिलने वाली है? रेंज जो मिलेगी आपको जब आपके पास वोल्टेज कितना है, आपके पास वोल्टेज की वैल्यू जो आपके पास है Vs की वैल्यू है, तब D की वैल्यू कितनी आ रही है? 3/5। ठीक है, नेक्स्ट क्या आपके पास? जब आपके पास वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज 72 वोल्ट है, तब आपके पास जो वैल्यू आ रही है दैट इज इक्वल टू 2/5। तो आप बताओ मुझको आपकी जो रेंज आ रही हो कहां से कहां जा रही है? 2/5 से बड़ा होगा डी, और क्या होगा? 3/5 से क्या होगा आपका? छोटा होगा डी। तो इसका मतलब जो आपके पास ड्यूटी रेशियो है उसकी वैल्यू क्या होगी आपके पास? दैट इज वेरिंग फ्रॉम 2/5 से लेके 3/5 के बीच में आपको वेरी करेगा। तो 2/5 से लेके 3/5 तक वेरी करेगा। तो डेफिनेटली आपके पास क्या होगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इज इट ओके? तो आपने क्या निकाल लिया? डिफरेंट रेंजेस के लिए आपने कैलकुलेट कर लिया। अगर एक पर्टिकुलर फिक्स कर दिया था सप्लाई वोल्टेज, तो आपके पास डी डायरेक्टली आप निकाल सकते थे। अगर आप डी निकाल सकते थे तो और भी कैलकुलेशंस आप परफॉर्म कर सकते थे डिपेंडिंग अपॉन द क्राइटेरिया कि आपसे क्या पूछा गया है। आप डेल्टा आई एल निकाल सकते हो, ठीक है, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होगी? बट यू नीड टू नो वॉट फ्रीक्वेंसी। आप आई एल मैक्स निकाल सकते हो, बट उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या होगी? आई एल एवरेज। और आई एल एवरेज निकाल आपको पता होना चाहिए लोड मेरा कैसा, आई नॉट की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो डिफरेंट काइंड ऑफ एनालिसिस यू कैन परफॉर्म इफ यू हैव सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस, इट्स लाइक दिस वन। ओके, तो आई थिंक यू गॉट दिस अंडरस्टैंडिंग हाउ आई एम गेटिंग डी वन एंड डी टू। ओके, तो मेरे पास जो रेंज आ गए डी की कितनी आ गए? 2/5 एंड 3/5। डोंट वरी अबाउट दैट थिंग, ऐसा मत सोचना कि ये 32 है तो 32 के करिस्पॉन्डिंग पहले यहां आना चाहिए। कितना आया था आपके पास? 3/5। डोंट वरी अबाउट दैट थिंग, आपसे रेंज बस पूछा गया। रेंज का मतलब होता है कितने से कितने के बीच में डी टोटली वैरी करेगा अगर सप्लाई में इतना इतना वैरी कराता हूं। समझ में आई इतनी बात? ठीक है, तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, अ बक बूस्ट डीसी टू डीसी कन्वर्टर शोन इन द फिगर बिलो इज यूज्ड टू कन्वर्ट 24 वोल्ट बैटरी वोल्टेज टू 36 वोल्ट डीसी वोल्टेज टू फीड अ लोड ऑफ 72 वाट। It is operated at 20 kilohertz with an inductor of 2 millihenry and output capacitor of 1000 microfarad. All devices are considered to be ideal. The peak voltage across the solid state switch S in volt is. So the question number 3 is, that is gate again. It's a gate 2016 problem. तो मेरे पास क्या है? What we have? हमको दिया गया है, it's a, what is this one? It's a bug boost converter, okay? It's a bug boost converter. मेरे पास क्या दिया हुआ है? एक solid state switch है, इसको आप ऐसे भी represent कर सकते थे, like this one, it's only switch, ठीक है? Solid state switch है, diode है, inductor, capacitor की values दे रखी, V not पता है, Vs पता है, load पे power कितना है, that is equal to 72 watt, frequency कितनी है, chopping frequency या switching frequency कितनी, आपके पास कुछ ऐसी ऐसी चीजें available है। अब आपसे क्या पूछा गया कि मेरा जो स्विच है उसके क्रॉस कितना पीक वोल्टेज आपका डेवलप होगा, यही आपसे पूछा गया। आप बताओ मुझको जब भी स्विच आपका ऑन होता है तो उसके क्रॉस वोल्टेज क्या होता है? हमेशा जीरो। ठीक है, जब भी स्विच आपका ऑफ होता है उसके क्रॉस वोल्टेज हमेशा क्या होता है आपका? डेवलप करता है। तो मतलब अगर वोल्टेज अक्रॉस द स्विच पूछा है तो इसका मतलब वो किसके लिए पूछ रखा है? जब स्विच आपका ऑफ कंडीशन में है। तो आप बताओ मुझको व्हेन स्विच इज ऑफ, व्हेन एसडब्ल्यू इज ऑफ, अगर स्विच मेरा ऑफ होगा तो मेरे पास क्या होगा आपके पास? दिस इज सोर्स, दिस इज स्विच वोल्टेज प्लस माइनस वीएसडब्ल्यू, इज इट ओके? ठीक है, आप बताओ नेक्स्ट क्या होगा मेरे पास? दिस वन इज व्हाट? इंडक्टर, इज इट ओके? ठीक है, तो ये हो गया वीएस। नेक्स्ट क्या मेरे पास है? डायोड मेरा क्या होगा आपका? ऑफ होगा, डायोड विल बी ऑफ, दिस इज ऑफ, समथिंग लाइक दिस वन। ओके, सॉरी, जब स्विच ऑफ होगा डायोड विल बी ऑन, सॉरी, दिस विल बी कैपेसिटर। नेक्स्ट क्या मेरे पास है? लोड, कुछ ऐसा ही तो बनेगा ना आपके पास सर्किट। व्हेन स्विच इज ऑफ दिस इज माइनस प्लस हाउ मच? 36 वोल्ट, इज इट ओके? अब बताओ मुझको अगर ये स्विच ऑफ है इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना तो मैं क्या लिखूंगा? केवीएल। ठीक है, केवीएल लगाओ जरा, इसमें क्या मिलने वाला है मेरे पास? दिस इज वीएस माइनस वीएसडब्ल्यू, ये क्या होगा आपके पास? माइनस वीएल इज इक्वल टू जीरो, ऐसा कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब बताओ मुझको क्या मिलने वाला है नेक्स्ट? VSW ही मुझको निकालना है तो VSW इक्वल टू आ जाएगा VS माइनस व्हाट? VL। अब बताओ जरा मुझको क्या मिलेगा? VS
माइनस वी एल की वैल्यू, जरा ध्यान से देखो, दिस वोल्टेज एंड दिस वोल्टेज विल रिमेन सेम बट दिस पोलरिटी इज डिफरेंट, दैट मीन वी एल इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस ऑफ वॉट 36. तो कितना मिलेगा, माइनस ऑफ 36 मतलब 36. वी एस की वैल्यू मेरे पास कितनी गिवन आपको, 24. तो कितना हो जाएगा, 24 प्लस 36, जरा जोड़ दो इसको, कितना मिलने वाला है, दैट इज इक्वल टू 0, कितना 60 वोल्ट. इज इट ओके, कितना मिलेगा आपके पास, दैट इज 60 वोल्ट. और यही स्विच का क्या होगा आपका, दैट अमाउंट ऑफ वोल्टेज इट इज ब्लॉकिंग व्हेन इट इज व्हाट ऑफ. समझ में आए इतनी बात, ठीक है. तो ये क्या हो गया, दिस इज द आंसर. इज देयर एनी ऑप्शन, नो ऑप्शंस, इट्स अ नैट टाइप क्वेश्चन. तो आंसर विल बी हाउ मच, दिस इज इक्वल टू 60 वोल्ट. इज इट ओके, अब बताओ. तो क्वेश्चन इज डन, दैट इज 60 वोल्ट इज द राइट आंसर, ठीक है. अब बताओ मुझको, अगर इसमें और चीजें बात की जाती तो और चीजों में बिल्कुल बहुत सारी चीजें इसमें कैलकुलेट कर सकता हूं. मैं क्या क्या कैलकुलेशन कर सकता हूं, मैं क्या निकाल सकता था, मैं इंडक्टर में चेंज इन रिपल निकाल सकता था, निकाल सकता हूँ, नहीं निकाल सकता हूँ, बिल्कुल मैं निकाल सकता हूँ. अगर इंडक्टर चेंज इन रिपल की बात की गई होती तो कैसे आप निकाल देते, सब कुछ जानते हो ना आप, ठीक है. वी नॉट, और किसकी बात कर रहा हूँ, वी एस आपको पता है. तो बताओ मुझको, वी नॉट इज इक्वल टू वी एस डिवाइड बाई कितना, 1 माइनस टी. तो सबसे पहले तो मैं क्या निकाल लूंगा, ड्यूटी रेशियो मेरा कितना वो निकाल लूंगा. तो वी नॉट इज 36, वी एस इज हाउ मच, दैट इज इक्वल टू 24 डिवाइड बाई कितना, इन टू डी डिवाइड बाई कितना, 1 माइनस डी. जरा देख लो कितना आएगा, 36 माइनस 36 इन टू डी, दैट इज इक्वल टू 24 इन टू डी, कितना मिलने वाला, 36 इज इक्वल टू डी, कितना आ जाएगा, 320, 50, 50 प्लस 60, कितना आ गया आपके पास, डी इज इक्वल टू आ जाएगा 36 डिवाइड बाई 60. इज इट ओके, जब डी की वैल्यू पता चल गई तो मैं चेंज इन रिपल भी निकाल सकता हूँ. डेल्टा आई एल इज इक्वल टू कितना होता है आपके पास, बोलो ना कितना होता है, Vs into D divide by कितना, F into L. कुछ ऐसा था कि नहीं आपके पास, ठीक है. तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज चेंज इन रिपल करंट. समझ में आई बात, D पता है, Vs पता है, F भी पता है, L भी पता है, सब कुछ पता है मेरे को आई गेस, ठीक है. L भी पता है, सब कुछ पता है, डेल्टा IL निकल जाएगा. नेक्स्ट बताओ, IL एवरेज, IL एवरेज इज इक्वल होता है I नॉट डिवाइड बाई 1 माइनस डी. डी तो पता है, I नॉट नहीं पता, बट मैं I नॉट निकाल सकता हूँ, कैसे निकाल सकता हूँ बताओ ना. V नॉट इंटू आई नॉट आपको गिवन है, दिया है कि नहीं दिया, कितना वॉट है, 72 वॉट. तो आई नॉट में निकाल सकता हूँ, नहीं, 72 डिवाइड बाई कितना, V नॉट की वैल्यू 36. आई नॉट अगर निकल गया, D निकाल चुके हो, आई एल एवरेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा. अगर आई एल एवरेज मिल गया तो नेक्स्ट में तुरंत क्या निकाल सकता हूँ, आई एल मैक्स में निकाल सकता हूँ. क्या होता है आपका, आई एल एवरेज प्लस डेल्टा आई एल डिवाइड बाई क्या, 2. आई एल मिन में कैलकुलेट कर सकता हूँ, कितना आ जाएगा, आई एल एवरेज माइनस डेल्टा आई एल डिवाइड बाई हाउ मच, 2. तो ये भी पता चल गया, ये भी पता चल गया, पता चला कि नहीं पता चला. नेक्स्ट बताओ आपका, अगर मैं सोर्स करंट की बात करता, एवरेज सोर्स करंट, तो आपको पता है वी एस इन टू आई एस इज ऑलवेज इक्वल टू वी नॉट इन टू आई नॉट, और ये पावर आपको ऑलरेडी पता है कितनी, 72. तो मैं क्या कहूंगा, 72. वी एस की वैल्यू कितनी मेरे पास है, दैट इज इक्वल टू 24. तो आई एस एवरेज की वैल्यू कितनी आ जाएगा आपकी, 72 डिवाइड बाई कितना, 24. इतना एम्पियर आपकी आई एस एवरेज आ जाएगी. तो आप कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द क्राइटेरिया दैट व्हाट आर द पैरामीटर्स यू हैव टू कैलकुलेट, एंड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ दैट पैरामीटर व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स इन द क्वेश्चन. इज इट ओके, तो बक बूस्ट कन्वर्टर हो, बक कन्वर्टर हो, कैसा भी आपका बक हो, बूस्ट हो, बक बूस्ट हो, हर तरीके के एनालिसिस को मैंने आपको एक प्रॉपर वे में समझाने की कोशिश किया कि हाउ टू टैकल ऑल दिस प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द बक बूस्ट कन्वर्टर और बक कन्वर्टर और बूस्ट कन्वर्टर. इज इट ओके, सो यू गाइस मस्ट डू इन द सेम मैनर हाउ आई वाज प्रोसीडिंग फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन, हाउ आई एम डूइंग द ऑल एनालिसिस इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, एंड यू मस्ट ट्राई ऑल दिस थिंग्स. ओके, तो ये सारी चीजें आपकी कंप्लीट हो गई, ऑल द रेगुलेटर्स आई हैव कंप्लीटेड दैट बक और बूस्ट और बक बूस्ट कन्वर्टर्स. नेक्स्ट हम लोग क्या बातें करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर जब हम लोग करेंगे तो उसमें हम लोग बात करेंगे कम्यूटेशंस की बात करेंगे, दैट इज आपका करंट कम्यूटेशन, वोल्टेज कम्यूटेशन. अगर गेट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए आपका तो वोल्टेज कम्यूटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. वोल्टेज कम्यूटेशन पे कई बार क्वेश्चंस पूछे गए, 1 or 2 times आपसे किससे पूछे गए आपके, दैट इज फ्रॉम द करंट कम्यूटेशन. तो वोल्टेज कम्यूटेशन, करंट कम्यूटेशन एंड कॉम्प्लीमेंट्री कम्यूटेशन, ऐसे कम्यूटेशन सर्किट्स कुछ होते हैं. कम्यूटेशन सर्किट्स कब डेवलप किए जाते हैं, कम्यूटेशन सर्किट्स तब आपके डेवलप किए जाते हैं जब आपका क्या होता है, हमेशा डीसी चीजें अवेलेबल होती हैं. मतलब अगर आपके पास एसी अवेलेबल होता था, जैसे फेस कंट्रोल रेक्टिफायर होता था, तो आप क्या कहते थे, एससीआर ऑटोमेटिक ऑफ कर जाता था ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द नेगेटिव वोल्टेज बाय द सप्लाई. ठीक है, तो दैट्स व्हाई दैट वाज नोन एज नेचुरल कम्यूटेशन और लाइन कम्यूटेशन.
इज इट ओके? नेक्स्ट हम लोगों ने क्या देखा, इन्वर्टर में हम लोग देखा था आरएलसी अंडर डैम्प्ड केस में आपका क्या होता था, लोड की जो एल और सी की वैल्यू होती थी वो डिसाइड करती थी कि थायरिस्टर मेरा ऑन करेगा ऑफ करेगा। इसका मतलब वहां पे भी क्या होता था आपका लोड के कंपोनेंट की वजह से आपका एससीआर ऑफ कर जाता था, दैट मींस वहां पे भी कोई भी उसको टर्न ऑफ करने के लिए एक्सटर्नल डिवाइस की रिक्वायरमेंट नहीं होती, दैट्स व्हाई दैट इज नोन एज द लोड कम्यूटेशन और सेल्फ कम्यूटेशन। ठीक है, सिमिलरली अब अगर मैं चॉपर की बात करूं तो चॉपर सर्किट में क्या होता है, हमेशा जो भी आपके पास अवेलेबिलिटी है दैट इज डीसी, अगर मैं ऑफ करना चाह रहा हूं जो मैं थायरिस्टर या स्विचिंग डिवाइसेस कंट्रोल डिवाइसेस में यूज करने वाला हूं तो डेफिनेटली वी नीड अ कम्यूटेशन सर्किट। दैट मींस दैट व्हाट दैट कम्यूटेशन सर्किट विल डू, दैट कम्यूटेशन सर्किट विल फोर्स दैट एससीआर टू मेक इट्स टर्न ऑफ। तो कम्यूटेशन सर्किट का मतलब होता है फोर्सफुली जब आप एससीआर को क्या करते हो आप ऑफ करने की कोशिश करते हो, दैट इज नोन एज फोर्स्ड कम्यूटेशन सर्किट। तो वोल्टेज कम्यूटेशन, करंट कम्यूटेशन, वोल्टेज कम्यूटेशन मतलब हुआ वोल्टेज किसी वोल्टेज की वजह से एससीआर ऑन ऑफ करेगा, करंट कम्यूटेशन मतलब क्या हुआ करंट की वजह से आपका वो क्या करेगा आपका ऑफ करेगा। तो जो भी चीज होता है वोल्टेज कम्यूटेशन कैपेसिटर का वोल्टेज रिस्पॉन्सिबल होता है एससीआर को ऑफ करने के लिए, करंट कम्यूटेशन में आपका कौन रिस्पॉन्सिबल होता है कैपेसिटर की करंट रिस्पॉन्सिबल होती है मेन एससीआर को क्या करने के लिए ऑफ करने के लिए। और इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम हुए हैं तो वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर अबाउट द वोल्टेज कम्यूटेशन एंड व्हाट करंट कम्यूटेशन टॉपिक। ओके।